हे एवरीवन, तो आज हम शेयर करने जा रहे हैं एक बहुत ही टेस्टी मिठाई की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा इजी है और बहुत ही कम टाइम में आप बनाकर रेडी कर सकते हैं। और ये मिठाई हम बिना गैस जलाए हुए बनाकर रेडी करने वाले हैं फ्रेंड्स। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी से बन के रेडी होती है और बहुत ही ज़्यादा आसान है इसे बनाना। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए इस टेस्टी मिठाई को बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ले लेंगे मिश्री। तो ये धागे वाले जो मिश्री है ना, वो हम यहाँ पर लिए हैं। तो ये मिश्री मैं ली हूँ गर्मी के लिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है और ठंडी होती है। तो आप मिश्री की जगह चीनी भी ले सकते हैं। और यहाँ पे हम ले लेंगे 1 कप ये भुना हुआ चना। तो ये चना है फ्रेंड्स, ये रोस्टेड चना है। तो आप इजली कोई भी किराना स्टोर पे जाएंगे ना तो इजली ये मिल जाता है। तो इसे हमें क्या करना है, हमें ग्राइंड करना है। साइड पर रख देंगे और जो मैं मिश्री ली हुई थी उसको हम ग्राइंड करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे छोटा वाला जो जार होता है ना वो हम ले लेंगे और मिश्री को हम तोड़ करके और उसके बाद ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही फाइन सा ये पाउडर बन के रेडी हो गया है और इसमें बिल्कुल नहीं कर्न बिल्कुल नहीं है। तो आप इसे अच्छे से ग्राइंड कीजिएगा और उसके बाद हम इसको चना जो भुना हुआ है वो बड़ा वाला जार में हम डाल करके और इसको हम ग्राइंड करेंगे। और उसी के साथ इसमें हम डाल देंगे 4 से 5 काजू और बादाम इसमें हम डाल रहे हैं फ्रेंड्स। तो इसको भी हम साथ में ही ग्राइंड करेंगे। तो चलिए इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो आपको बहुत ही अच्छे से ग्राइंड करना है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हुआ है। अगर आपको लगे कि अच्छे से ग्राइंड ना हो तो आप फिर से इसे ग्राइंड कर सकते हैं। तो उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, इसको हम तब तक लिए साइड पर रखते हैं और यहाँ पर एक छोटा सा काम कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 चम्मच के करीब मैं दूध ली थी। तो ये नॉर्मल दूध है, गर्म आपको नहीं लेना है। और मैं यहाँ पर ले रही हूँ केसर। तो केसर को आपको इस तरीके से डाल करके और अच्छे से मिक्स कर देना है और ये जैसे जैसे भीगेगा ना वैसे इसमें कलर आ जाएगा बहुत ही अच्छे से। तो इसको हम क्या करेंगे, साइड पर रख देंगे और यहाँ पे एक बड़ा बाउल ले लेंगे और बाउल में हम डाल देंगे जो मैं ग्राइंड की थी चने को, इसमें हम डाल देंगे। और उसी के साथ इसमें हम डाल देंगे जो मिश्री में ग्राइंड की थी ना वो हम इसमें डाल देंगे। अगर आप मतलब छन्नी से छाना चाहते हैं तो इसे छान सकते हैं, तो मैं यहाँ पर नहीं छानी हूँ। और 2 चम्मच के करीब यहाँ पर नारियल का बुरादा डाली हूँ, यानी देसी क्रेड नारियल का बुरादा। और 2 चम्मच यहाँ पर मिल्क पाउडर हम ले रहे हैं। तो आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर आप ले सकते हैं फ्रेंड्स, इससे बहुत ही टेस्टी बनती है मिठाई। तो इसे हम क्या करेंगे, सभी चीज़ों को हम अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे चम्मच से भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम मिठाई बनाएंगे। तो आपको पहले यहाँ पे अच्छे से मिक्स करना है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है फ्रेंड्स। आपको इस तरीके से मिक्स कर लेना है और उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जो केसर वाला जो हम दूध रखे थे ना, तो ये बहुत ही अच्छे से कलर आ चुका है। तो इसमें हम डाल देंगे, इस तरीके से आपको डाल देना है। अगर आपके पास केसर नहीं हो तो यहाँ पे येलो फूड कलर डाल सकते हैं आप। तो आप बिना कलर के भी बना सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा येलो कलर चाहिए था तो इसीलिए मैं यहाँ पर ऐड की थी केसर वाला दूध, मैं यहाँ पर डाली हूँ। तो इसको हम अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर देंगे फ्रेंड्स। अभी ये मतलब बहुत ही सूखा दिख रहा है, तो हम पहले इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम दूध से इसको हम बाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा दूध ली हूँ और थोड़ा थोड़ा डाल करके आपको यहाँ पे अच्छे से एक डो के फॉर्म में लाना है। तो आपको एक बार में दूध नहीं डालना है, नहीं तो ये गीला हो जाएगा। तो आपको थोड़ा थोड़ा डालने के बाद इसी तरीके से आपको मिक्स करते जाना है, थोड़ा डाल करके उसके बाद मिक्स करिएगा ना, तो बहुत ही अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा और गीला भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे डाल देना है और इस तरीके से मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से इसमें कलर आ चुका है फ्रेंड्स, और बहुत ही प्यारा सा कलर आया है। तो इसको भी हम थोड़ा सा और दूध डाल रहे हैं, ये अभी थोड़ा सा मुझे सूखा दिख रहा था इसीलिए मैं थोड़ा सा डाल करके और इसको हम अच्छे से फिर से मिक्स कर लेते हैं। और ये बिल्कुल रेडी हो गया है मिठाई बनने के लिए। तो इसी तरीके से हमें मतलब इसका एक डो के फॉर्म में लाना था, तो इस तरीके से मैं ला दी थी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 3 हिस्सों में हम बांटेंगे इस तरीके से। तो 3 हिस्सों में हम इस तरीके डिवाइड कर लेंगे और तीनों अच्छे से बराबर होनी चाहिए। तो दो तीनों को हम इस तरीके से पहले यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड ले लेंगे और एक हम इस तरीके से रोल बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से रोल बहुत इजीली बन के रेडी हो जाती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एक बन के रेडी हो गया और दूसरा भी हम उसी तरीके से बना लेंगे।
तो आपको इस तरीके से बना लेनी है फ्रेंड्स। और यहाँ पे आप मोटा या पतला, मतलब जो भी आपको पसंद है, मोटा तो मोटा भी रख सकते हैं, पतला भी पसंद है तो आप पतला भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से तीनों को मैं बराबर कर ली हूँ। और इसको हम क्या करेंगे, एक फ्रिज में रख देंगे 1 घंटे के लिए। और 1 घंटा हो चुका था तो सेट हो गया था बहुत ही अच्छे से। और यहाँ पे हम मार्केट वाला लुक दे रहे हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं सिल्वर वर्क लगा रही हूँ। और इसको हम कट करेंगे, तो इस तरीके से लंबे शेप में आप कट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये कितना टेस्टी और बहुत ही प्यारा सा मिठाई बन के रेडी हुआ है फ्रेंड्स। पे डेकोरेट की हूँ, नल का बुरादा जो होता है ना, वो हम उसमें थोड़ा सा कलर डाल दिए थे, ग्रीन वाला फूड कलर, उसमें हम डाल करके अच्छे से यहाँ पे डेकोरेट किए हैं। तो आप देख सकती है कितना टेस्टी बना है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।